हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये वीडियो ब्रॉक लेसनर के ऊपर है, स्मैक एंड मूव्स। इसके ऊपर पहले एक वीडियो बना दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ और नई वीडियो बनाते। सो आज की वीडियो सिंपली जाते अपन हार्ड कोर में एंड टू प्लेयर सिलेक्ट करते हैं, ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो। और सामने अपन ब्रॉक लेसनर ले लेते हैं पहले। सामने कोई सा भी प्लेयर सिलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली मैच रूल्स तो अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के स्मैक की। जिस तरह से मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, कोशिश करते हैं इस वीडियो में कुछ अलग कर सकते हैं अपन। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से स्मैक मार सकते हैं आपको। नीचे वाला एरो और राइट वाला एरो, इन दोनों को प्रेस करोगे ना, तब प्रेस करने के बाद एक क्लिक करोगे तो एक किक मारेगा। ये प्लेयर हर प्लेयर मारता है, सिर्फ ब्रॉक लेसनर ही नहीं। ये देखो, एक किक मारो, उसका स्मैक मारने का ऑप्शन आता है। देन सिंपली किक मारने के बाद L1 दबाओगे तो स्मैक लग जाएगी। ये किक हर प्लेयर मार सकता है, हर प्लेयर किसी भी सिचुएशन में ये प्लेयर ये किक मार सकता है। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, अभी तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ सेकंड प्लेयर को भी। सो जैसे कि मैं भी सेकंड प्लेयर को भी मैं ही कंट्रोल करूँगा, आपको बता सकूँ मैं। इसके लिए तो थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा, तो सिंपली से कोई रनिंग करके आपके सामने आ रहा हो जैसे कि प्लेयर, और आप वाली किक मार के स्मैक भी लगा सकते हो। सो ये रनिंग करके आया, ये किक लगा दी मैंने। तो ये ट्रिक सब प्लेयर के लिए यूज है, ओनली ब्रॉक लेसनर के लिए नहीं, सब प्लेयर के लिए। अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के मूव्स की, किस तरह से मूव्स है ब्रॉक लेसनर के, तो वो मैं आपको सामने बता देता हूँ। लेफ्ट एरो दबाएंगे अपन, राइट एरो दबाएंगे ओ के साथ, तो कुछ इस तरह का मूव्स लगेगा। अब इसमें मिक्स कर सकते हैं अपन, ये वाला एरो अपन ने राइट वाला एरो दबा, अब लेफ्ट वाला एरो और अप वाला एरो दबाएंगे अपन। उसी के साथ दो को अपन मिक्स कर सकते हैं। और अपन ने इन दोनों को साथ मिक्स करा, इसके साथ मिक्स करा, अब सिर्फ आप इसको ही प्रेस कर सकते हो। मतलब हर बटन में एक मूव्स आपको मिलेगा। ये मूव सिर्फ ब्रॉक लेसनर ही मार सकता है, बाकी दूसरों के अलग अलग है। बाकी इस तरह से आप मार सकते हो अलग अलग। अब लेफ्ट वाला एरो और डाउन वाला बाकी ये रह गया, तो ये वाला मारता है। अब चेंज कर देते हैं कि लेफ्ट वाला एरो से सब हो चुका है। अब बात करते हैं अपन अप वाले एरो की। अप वाला एरो से पहले तो यही सिलेक्ट करते हैं अपन, और अप वाला एरो और अप डाउन वाला, पहले अपन से ऊपर आ था, अब सिर्फ नीचे आ थी। तो ये मूव्स है ब्रॉक लेसनर के बहुत सारे, और कुछ ताकतवर अटैकिंग मूव्स हैं इसके ब्रॉक लेसनर के। अप वाला और राइट वाला तो कुछ हटके मूव्स है, वो डैमेज देता है ये भाई। अब बाकी है अप वाला और लेफ्ट वाला, अप वाला और लेफ्ट वाला, तो ये स्पाइन बस्ट बहुत ही शानदार मूव है ये भी। अब बाकी आता है राइट एरो। राइट एरो पे अपन सिर्फ राइट रेड क्लिक करते हैं, तो याद अब राइट एरो के साथ अपन मिक्स करते हैं। अरे रेफरी हट जा भाई, हट जा। अरे फेल करना तो रेफरी से सीखो कोई। राइट वाला एरो और अप वाला एरो, तो ये मूव मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो डबल बार मारता है, एक बार और फिर मारेगा। देन अब राइट वाला एंड उसके सामने लेफ्ट वाला, तो इसके बाद स्मैक भी मार सकते हो आप। स्मैक मारने का ऑप्शन आएगा राइट वाला एंड फिर लेफ्ट वाला और फिर L1।
अब बात करके डाउन वाले की, सिर्फ पहले डाउन वाला एरो दबाते हैं अपन, सिर्फ डाउन वाला। तो कुछ इस तरह से ये गिवअप एक रहता है, अगर गिवअप यहाँ पर रहता तो अगर आपने इस प्लेयर को कुछ ज़्यादा ही डैमेज दिया, पूरा लाल कर दिया हो, उसके बाद आप ये वाला मूव लगाते हो तो ऑटोमेटिक गिवअप हो जाता है। गिवअप का ऑप्शन भी नहीं आता गाइस, डायरेक्ट गिवअप लग जाता है इसमें। गिवअप करके एकदम से मैच ख़त्म हो जाता है नीचे वाला एरो और वो दबाने से। अगर आपने प्लेयर को ज़्यादा डैमेज दिया हो तो अभी मेरा पूरा रेड कर देता हो तो एकदम से गिवअप लग जाता है। और लेफ्ट नीचे डाउन वाला एरो और लेफ्ट एरो, ये रहो ये उसका मिक्स, पर गिवअप नहीं लगता है इसमें। अप डाउन एंड अप, अब लास्ट मूव जो बच रहा है वो है डाउन एंड राइट। तो ये तीनों गए और ये गिवअप है, ये गिवअप जिसकी मैंने बात करी थी, एक डाउन वाला और एक लेफ्ट वाला। सो एक गिवअप भी मिला अपन को ब्रॉक लेसनर का, एक डाउन वाला गिवअप भी है ब्रॉक लेसनर का जो अक्सर मैं लगाता हूँ, ये वाला गिवअप। राइट एरो और ओ ग्राउंड पोजीशन में सिर के पास जाके, छोड़ दे भाई अब छोड़ दे भाई वीडियो बताने। तो अब बात करते हैं रिंग साइड की अपन। तो रिंग साइड के ऊपर कूदने के लिए अपन सिंपल त्रिकोण एंड स्क्वायर दबाना है और जैसे ऊपर चढ़ जाए वैसे एक्स दबाना है। यहाँ पे आप मूव्स भी लगा सकते हो ब्रॉक लेसनर के, सब प्लेयर के लगा सकते हो। राइट वाला एरो और दबाओगे तो ऐसे मारेगा, फिर इसको एक बार आप इस मार सकते हो कोई सा भी एरो और दबा के, ये देखो गाइस।